किशनगंज पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 7 दो पहिया वाहन व 21 मोबाइल चोरी के केस जब्त, 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। किशनगंज थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी पुनित गहलोत, महू एसडीओपी विनोद शर्मा, किशनगंज थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 30 सितंबर को किशनगंज थाने का इलाका भ्रमण करने के दौरान मुखबिर से सूचना मिली, एक नीले रंग की मिस्ट्रो गाड़ी पर 4 लड़के पीथमपुर से राव की तरफ चोरी की वारदात के लिए आ रहे हैं, जिनकी घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर मिस्ट्रो गाड़ी में 21 मोबाइल जब्त हुए हैं। अन्य से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अन्य जगह से 21 मोबाइल व 7 गाड़ियां चोरी करना कबूला। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से देहात के क्षेत्रों में वाहन चोरी स्पेसिफिकली की वारदातें काफ़ी हुई थी, और चूंकि देहात ग्रामीण इलाके में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता मौजूद नहीं रहती है, तो पूर्ण रूप से देहात पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय करके चोरों की जो ये टोली है जो लगातार वारदातें कर रही थी, इन पर नज़र रखना स्टार्ट किया था। इसी तारतम्य में दिनांक 30 सितंबर को एक सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी कि 4 लोग एक चोरी की गई मेस्ट्रो गाड़ी पर बैठकर पीथमपुर से राव की ओर आ रहे हैं, और संभवतः फिर से वो किसी वारदात के एजेंडा से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। इस पर थाना किशनगंज के सब इंस्पेक्टर अनिल चाकरे और उनकी टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई, और उक्त 4 लोगों को जब राउंडअप किया गया तो मेस्ट्रो के वो कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए, और मेस्ट्रो की जब गाड़ी की जो डिक्की चेक की गई तो उसमें से 11 मोबाइल फ़ोन्स उनको मिले, जो प्राइमा फेसी लग रहा था कि वे चोरी के फ़ोन हैं, और मेस्ट्रो के कागज़ पेश नहीं किए गए तो मेस्ट्रो के बारे में भी एक अंदेशा था कि वो चोरी की गाड़ी है। उक्त 4 लोगों को टीम के द्वारा थाने पर लाया गया, और TI किशनगंज शशिकांत चौरसिया और SDOP महू विनोद शर्मा जी ने लगातार उनसे देर रात तक पूछताछ की। देहात क्षेत्र में विगत दिनों में जितनी भी घटनाएं घटी थी उनकी सूची तैयार करके उनसे क्रॉस इंटरोगेशन किया गया। उसके बाद एक एक करके सभी जो 4 लोग थे उन्होंने अपराध कबूल किए, अलग अलग घटनाएं जो थी उनको करना कबूल किया।